बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारा है लिपिड्स। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कार्बोहाइड्रेट्स को डिटेल में जो है वो देखा था, तो आज हम लिपिड्स को देखेंगे। व्हाट इज लिपिड्स? लिपिड्स आर नॉन पोलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। जैसा कि हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को स्टडी कर रहे हैं, तो जैसे कार्बोहाइड्रेट एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, सेम उसी तरह लिपिड्स भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। लिपिड्स आर नॉन पोलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल डेट आर इनसॉल्युबल इन पोलर वाटर। ये पोलर वाटर में हल नहीं होते, बट सॉल्युबल, लेकिन हल हो जाते हैं इन नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अब हमारे पास नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो है वो कौन से हैं? ईथर, अल्कोहल एंड क्लोरोफॉर्म। इन तीनों में ये लिपिड जो है डिजॉल्व हो जाते हैं, हल हो जाते हैं। फॉस्फोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रोल और लिपिड्स। हमारे पास फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रोल जो है ये हमारे पास लिपिड्स हैं। लिपिड्स जो है वो इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं सेल मेम्ब्रेन का। जैसे कि आप जो है वो पढ़ते हैं सेल मेम्ब्रेन का टॉपिक, जिसमें हम जो है वो मॉडल पढ़ते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि लिपिड्स जो है वो उसकी जो है वो सैंडविच मॉडल, जो हम जिसको भी आमतौर पर उसको हम सैंडविच मॉडल भी कहते हैं, जिसमें लेयर्स होती हैं लिपिड्स की, फॉस्फोलिपिड की, प्रोटीन्स वगैरह की। तो इसी तरह हमारा जो फॉस्फोलिपिड और हमारे पास जो लिपिड्स और फॉस्फोलिपिड्स हैं, ये मेजर और इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है सेल मेम्ब्रेन का। उसके बाद मोस्ट कॉमन लिपिड जो है एनिमल के अंदर वो फैट्स हैं। अब हम पढ़ेंगे फैट्स। व्हाट इज फैट्स? फैट्स आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल को हम क्या कहते हैं? फैट्स। फैट्स जो है ये एस्टर्स हैं, यानी कि चेन बनी हुई है किसकी? फैटी एसिड की और ग्लिसरॉल की। बिल्ड सेल पार्ट ऑफ सप्लाई एनर्जी फॉर सेलुलर एक्टिविटी। ये अब फैट्स का काम क्या है? सेल्स के मुख्तलिफ हिस्सों को बनाना और सेलुलर एक्टिविटीज के लिए एनर्जी सप्लाई करना। अब हम फैट्स की कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। लिपिड्स आर प्राइमरीली कंपोज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एटम। जो हमारे पास लिपिड्स होते हैं, लिपिड्स जो है वो हमारे पास जो आम तौर पर जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम से मिलकर बने होते हैं। सम जो है कुछ अमाउंट इनके अंदर फॉस्फोरस और नाइट्रोजन की भी पाई जाती है। ये बिल्डिंग ब्लॉक है फैटी एसिड के और ग्लिसरॉल के। अब हमारे पास फैटी एसिड क्या है? फैटी एसिड जो है वो लॉन्ग चेन है हाइड्रोकार्बन की, जो कि बाउंड हुए होते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ, यानी कि COOH कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ लॉन्ग चेन बनाई होती है हाइड्रोकार्बन ने, उनको हम कहते हैं फैटी एसिड्स। अब ग्लिसरॉल क्या है? ग्लिसरॉल हमारे पास 3-carbon अल्कोहल है और हर अल्कोहल के साथ जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है, इसने हाइड्रोक्सिल ग्रुप रखा होता है, ईच कार्बन है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब जो हमारे पास लिपिड्स होते हैं उनके अंदर फैटी एसिड का और ग्लिसरॉल का एक एक मॉलिक्यूल मिला होता है। उसके बाद द फैट्स विद 3 fatty acids, उनको हम ऐसे फैट्स इनके साथ 3 fatty acids के मॉलिक्यूल अटैच हुए होते हैं, उन्हें हम कहते हैं ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। बहुत ज्यादा फैटी एसिड जो है वो पाए जाते हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा तादाद में हमारे पास फैट्स जो है वो मौजूद होते हैं। अभी हमारे पास जो है वो डिफरेंस है हमारे पास फैट्स की टाइप्स का। हमारे पास जो फैट्स होते हैं वो 2 types के होते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और सैचुरेटेड फैटी एसिड। इनका हम कुछ डिफरेंस देखेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे ये आ सकता है, लॉन्ग में भी ये जो है क्वेश्चन को कवर करता है। तो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और सैचुरेटेड फैटी एसिड और फैट्स। तो जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हमारे पास होते हैं दे हैव डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड, और जो सैचुरेटेड होते हैं वो डोंट हैव डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड रखते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में फैट मॉलिक्यूल कैन नॉट अलाइन क्लोजली विद वन अनदर। इसमें ये क्लोजली वन अनदर नहीं हुए होते, क्लोजली अलाइन नहीं हुए होते। इनके ना क्लोजली अलाइन होने की वजह क्या है? वजह इनकी ये है कि इनकी जो चेन होती है वो बेंट हुई होती है, इस वजह से ये क्लोजली अलाइन नहीं होते। इसीलिए दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स। ये क्लोजली अलाइन नहीं होते, इसलिए इनके लो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं। मे बी फ्लूड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर के ऊपर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो जो है फ्लूड शेप में होते हैं, यानी लिक्विड शेप में होते हैं। लिक्विड फैट को हम क्या कहते हैं? ऑयल कहते हैं। फैटी एसिड विद 1 double bond कॉल्ड मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स।
ऐसे फैटी एसिड जो कि एक डबल बॉन्ड रखते हैं उनको हम कहते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और ऐसे और वो जो के न्यूमेरियस डबल बॉन्ड रखते हैं, एक एक से ज्यादा डबल बॉन्ड रखते हैं, उनको हम कहते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब हम देखते हैं अपने सैचुरेटेड फैट्स और फैटी एसिड्स को, दे डोंट हैव डबल बॉन्ड, इनमें डबल बॉन्ड नहीं होता, सिंगल बॉन्ड होता है। ज्यादातर एनिमल का फैट जो है वो सैचुरेटेड होता है। अक्कर एज हार्ड एट सॉलिड स्टेट, ये हार्ड होते हैं और सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। कार्बन एटम ज्वाइंट बाय सिंगल सिंगल कार्बन कार्बन, इनमें सिंगल बॉन्ड होता है। ईच कार्बन एटम बाइंड मैनी हाइड्रोजन एटम, जो एक कार्बन एटम होता है उसने बहुत ज्यादा हाइड्रोजन के साथ जो है वो बॉन्ड बनाई होती है। तो ये हमारे पास अनसैचुरेटेड फैट्स और सैचुरेटेड फैट्स का कुछ डिफरेंस था। ये हमारे पास है वो आते हैं हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स, सिमिलर टू फैट मॉलिक्यूल, ये फैट मॉलिक्यूल की तरह ही होते हैं, लेकिन ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल की चेन अपने पास रखते हैं। ये किन से मिलकर बने होते हैं? ग्लिसरॉल चेन और फैटी एसिड चेन पे ये कंटेन करते हैं। इनके पास जो है वो टू फैटी एसिड की चेन होती है, जो थर्ड वन होती है वो नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप के साथ रिप्लेस हुई होती है। फॉस्फोलिपिड के हमारे पास टू पार्ट्स आते हैं, एक पार्ट हमारे पास हेड पोर्शन होता है और दूसरा हमारे पास टेल पोर्शन होता है। जो हेड पोर्शन होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है। जो हेड चेन हमारे पास, जो हेड हमारे पास पोर्शन होता है वो पोलर फॉस्फेट और नाइट्रोजन ग्रुप का बना होता है और वो सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर, हाइड्रोफिलिक होता है। वो क्या बनाता है? हेड पोर्शन बनाता है, हेड मॉलिक्यूल बनाता है। जो हमारे पास टेल पोर्शन होता है वो इनसॉल्युबल होता है फैटी एसिड पोर्शन, और वो बनाता है टेल। उसके बाद इनके पास टेंडेंसी होती है डबल बॉन्ड रखने की, ये डबल टेंडेंसी भी रखते हैं, ठीक है। ये हमारे पास डबल टेंडेंसी रखते हैं, कैसे? कि ये सॉल्युबल होते हैं एक एंड से और इनसॉल्युबल होते हैं दूसरे एंड से। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट हमारे पास आते हैं स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड्स क्या है? नेचुरली अक्रिंग लिपिड है, सॉल्युबल मॉलिक्यूल है। ये नेचुरली अक्रिंग लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल हमारे पास होते हैं। ये जो है ये कंपोज हुए होते हैं हमारे पास फोर फ्यूज्ड कार्बन रिंग के साथ, यानी कि कार्बन की एक रिंग बनी हुई होती है जो कि चार कार्बन की रिंग होती है जो आपस में फ्यूज्ड हुई होती है। ये रिजिड स्ट्रक्चर बनाते हैं, इनकी स्ट्रक्चर टफ होती है। थ्री ऑफ रिंग मतलब के थ्री ऑफ रिंग का मतलब है कि इस तरह की हमारे पास थ्री रिंग्स बनी हुई होती हैं ये, ठीक है। थ्री रिंग्स बनी हुई होती हैं ऑफ सिक्स साइडेड, छह साइडें उसकी होती है, यानी कि वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। इस तरह ये हमारे पास जो है वो सिक्स साइडेड होती है, लेकिन जो फोर्थ इज फिफ्थ साइड, लेकिन जो चौथी पांचवी हमारे पास होती है उसकी फाइव साइड होती है, क्योंकि उसके साथ आगे जो है वो मॉलिक्यूल जो है वो अटैच हुए होते हैं, ठीक है। उसके बाद है फोर रिंग कंटेन 17 कार्बन, टोटल चारों रिंग हमारे पास मिलकर फोर रिंग होती है, तो चारों रिंग मिलकर हमारे पास 17 कार्बन बनाती है। इधर जो मैंने अभी आपको थ्री रिंग बना के दिखाई है वो मैंने आपको इसकी एग्जांपल के तौर पे समझाया है कि थ्री रिंग ऑफ सिक्स साइडेड कैसी होती है, कि थ्री रिंग होती है हमारे पास, जैसे बेंजीन की रिंग होती है तो उसकी सिक्स साइडेड होती है, हर एक साइड पे उसके साथ कार्बन एटम अटैच होते हैं। कोलेस्ट्रॉल जो है वो इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकली एक्टिव स्टीरॉइड की एग्जाम्पल है हमारे पास कोलेस्ट्रॉल। उसके बाद कुछ हमारे पास कोलेस्ट्रॉल की और स्टीरॉइड्स की और भी एग्जाम्पल आती है, जिस तरह कोलेस्ट्रॉल हमारे पास स्टीरॉइड्स की एग्जाम्पल है, इसी तरह हमारे पास स्टीरॉइड्स की कुछ और एग्जाम्पल भी आती है, जिनमें हमारे पास है विटामिन्स, विटामिन भी स्टीरॉइड की इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। उसके बाद हार्मोन है, हार्मोन ऑफ एड्रीनल ग्लैंड यानी एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो है वो भी हमारे पास स्टीरॉइड की एग्जाम्पल है। उसके बाद ओवरीज जो कि फीमेल के अंदर प्रेजेंट होती है, जिनको हम एस्ट्रोजन बोलते हैं, ये भी स्टीरॉइड की एग्जाम्पल्स है। उसके बाद टेस्टिस जो कि मेल में प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, ये भी हमारे पास जो है वो एग्जाम्पल है स्टीरॉइड्स की। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जो कि लिपिड्स के ऊपर था। हमने लिपिड्स को देखा, लिपिड्स के टाइप्स को देखा, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को देखा, फैट्स को स्टडी किया, उसके बाद फॉस्फोलिपिड्स को स्टडी किया, स्टीरॉइड्स को स्टडी किया। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें।